नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। नोएडा के जिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यहां ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहे एक डॉक्टर को ही हार्ट अटैक आ गया। जी हां, बता दें कि डॉक्टर की हालत खराब होती देख किसी तरह वहां मौजूद अन्य मेडिकल स्टाफ ने स्थिति को काबू किया और उन्हें समीप के एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ अब डॉक्टर की हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला नोएडा के जिला अस्पताल का। बीते 9 जनवरी को यहां आई सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज को ट्रीट कर रहे थे। बता दें, अचानक इस दौरान उन्हें बेचैनी होने लगी, उन्हें अधिक पसीना आने लगा और वह बदहवास होने लगे। यह देख उनके साथ मौजूद नर्स ने उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी। डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर जाया गया, वहीं अन्य डॉक्टरों ने मरीज का आगे का ट्रीटमेंट पूरा किया। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर सत्येंद्र को नोएडा के फेलिक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां ECG और अन्य जांच के बाद पता चला कि उनके दिल को बॉडी के दूसरे पार्ट से जोड़ने वाली एक नस ब्लॉक है। तुरंत एक्सपर्ट डॉक्टरों ने उनकी एंजियोप्लास्टी की, जिससे अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। फेलिक्स अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार डॉक्टर सत्येंद्र को हार्ट अटैक आया था।